हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 5 एडवांस वोकैबुलरीज के बारे में गाइस। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये वोकैबुलरीज गाइस। गाइस, ये सारे एडवांस वोकैबुलरीज हैं जो कि न्यूज़पेपर, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन वगैरह में काफ़ी यूज होते हैं। तो जो सबसे पहला है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं स्नेक आउट। इसके साथ आपको ऑफ लगाना होता है। तो स्नेक आउट का क्या मतलब होता है गाइस? स्नेक आउट का मतलब है चुपके से निकल जाना। मतलब मान लीजिए कि कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में सारे लोग बैठे हुए हैं और एक बंदा खिसक जाता है, वहां से निकल जाता है बिना बताए। उसे ऐसा लगता है किसी ने मुझे देखा नहीं और चुपके से वहां से निकल जाता है। तो इस सिचुएशन में जो आप वर्ड यूज करेंगे वो स्नेक आउट आप करेंगे गाइस। तो कोई मीटिंग में बैठा हो, आप घर में ही बैठे हैं, 10 लोग बैठे और एक बंदा बिना बताए चुपके से निकल जाता है, यानी कि वो स्नेक आउट है। आपका बच्चा है, आप लोग सो रहे हो और बच्चा बिना बताए चुपके से निकल जाता है और जाकर साइकिल चलाता है कहीं पर, तो स्नेक आउट हो गया। तो स्नेक आउट बहुत ही प्यारा सा शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेज आप देख सकते हैं कि ही स्नेक्ड आउट ऑफ द मीटिंग, यानी कि वो मीटिंग से चुपके से बाहर निकल गया। माय सन स्नेक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से, ऑफ द रूम, वो बाहर निकल गया। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि यू शुड नॉट स्नेक आउट ऑफ द क्लासरूम, तुम्हें क्लासरूम से चुपके से नहीं निकल जाना चाहिए। तो स्नेक आउट, चुपके से निकल जाना। आगे देखते हैं, दूसरा जो वर्ड है दोस्तों, इसे बोलते हैं डिफंक्ट, defunct, डिफंक्ट एक एडजेक्टिव है। डिफंक्ट का मतलब है बंद या निष्क्रिय। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ है, खासकर जो मशीन वगैरह है, सीसीटीवी कैमरा हो गया, टीवी हो गया, कोई भी चीज़ है जो निष्क्रिय है, अब वो काम में नहीं है या बंद हो गया है, वो खराब पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप डिफंक्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे गाइस। जैसे अगर आपको बोलना है कि जो सीसीटीवी कैमरा है बंद पड़ा हुआ है यार, ये काम नहीं करता यार, खराब है, जो भी आप हिंदी बोल लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि दिस सीसीटीवी कैमरा इज डिफंक्ट। अगर ये 4 दिनों से ऐसे बंद पड़ा है जी, खराब है, तो इट हैज बीन डिफंक्ट फॉर 4 डेज। मेरा टीवी 1 हफ्ते से बंद पड़ा है, खराब है, निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है, तो माई टीवी हैज बीन डिफंक्ट फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से। तो डिफंक्ट का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी मशीन, कोई भी चीज जो बंद है, खराब है, काम नहीं कर रहा है, तो आप डिफंक्ट यूज करेंगे गाइस। एक और देखते हैं, ये जो वर्ड इसे बोलते थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर एक एडजेक्टिव है। थ्रेडबेयर का मतलब क्या है? थ्रेडबेयर का मतलब है फटे पुराने, घिसे पिटे, एकदम तार तार। अब ये जो वर्ड है, ये कपड़ों के लिए या कोई सामान है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर लोग कपड़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, या दरी, कारपेट वगैरह के लिए। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है, कोई टी शर्ट है, कोई टॉप है, कोई जीन्स है, कुछ भी है, जो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा पहन लिया, बहुत यूज़ कर लिया, अब उसमें वो बात नहीं है, वो चमक नहीं है, यानी कि वो घिसा पिटा सा हो गया है, तो सही नहीं लग रहा है देखने में, तो वहाँ पर आप थ्रेडबेयर का इस्तेमाल करेंगे, उसकी वो क्वालिटी, वो डिसक्वालिटी बताने के लिए कि उसका एक एडजेक्टिव है ये, कि भाई ये जो कपड़ा है यार, ये तो घिसा पिटा सा हो गया, बेकार सा हो गया ये, तो ये थ्रेडबेयर आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। कोई कारपेट है, कोई चादर है, बेडशीट है, और अब लगे कि अब उसमें वो चमक नहीं है, वो बात नहीं है, तो एकदम खराब सा हो गया है, या वाकई फटा पुराना लगे, कुछ कट फट हो, पुराना लगे, यानी कि वो थ्रेडबेयर है, तो कह सकते हैं कि दिस शर्ट इज थ्रेडबेयर, और ही वॉज वेयरिंग अ थ्रेडबेयर शर्ट, उसने फटा पुराना घिसा पिटा सा शर्ट पहना हुआ था, तो थ्रेडबेयर। शी वॉज सिटिंग ऑन अ थ्रेडबेयर कारपेट, वो एक थ्रेडबेयर कारपेट पे बैठी हुई थी, यानी कि फटे पुराने, अजीब सा जो लग रहा था यार, ये पुराना है, बेकार है, अब मतलब एक्सपायर हो गया, तब भी लोग यूज़ किए जा रहे हैं उसे, समझ रहे हैं आप? कई लोग बनियान पहनते हैं, बनियान के अंदर छेद होते हैं, और वो बनियान भी वो चलाते हैं, मतलब वो थ्रेडबेयर बनियान यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज थ्रेडबेयर गाइस। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हॉगवॉश। हॉगवॉश क्या है? हॉगवॉश एक नाउन है। हॉगवॉश का मतलब है बेमतलब की बात, एकदम नॉनसेंस। आप कह सकते हो कि यार तू जो कह रहा है ना, ये सब बकवास है, बकवासबाजी है, बेकार है। व्हाटएवर यू आर सेइंग इज हॉगवॉश।
जो तू कह रहा है बस हॉगवॉश है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कभी आपको लगे कि कोई चीज बेतुकी है, बेकार है, तो आप वहां हॉगवॉश इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड का। हिज स्टोरी जस्ट अ हॉगवॉश, उसकी जो कहानी है बस एक हॉगवॉश और कुछ नहीं है, मतलब एक बकवासबाजी है, बेकार की बात है। तो हॉगवॉश मतलब बेमतलब की बात, चाहे किसी की स्टोरी हो, कोई कोई भी बात हो, सुना रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, कोई डिसीजन दे रहा है, कोई राय दे रहा है और आपको लगता है ये बेकार है, तो आप हॉगवॉश कहेंगे वहां पर। अगला है, इसे बोलते हैं स्ट्रियून। स्ट्रियून का मतलब है बिखरा हुआ या फैला हुआ। किसी कमरे में आपने देखा कि कुछ भी, किसी के बुक्स बिखरे हुए हैं, कोई भी चीज वहां पर फैला हुआ है, मतलब साफ नहीं है, अरेंज नहीं है, कोई भी चीज बिखरा है, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, बॉटल्स हो, आपके मेकअप किट के आइटम्स हो, सब बिखरे हुए हैं, अरेंज नहीं है, यानी कि वो क्या है, वो स्ट्रून है। उसे स्ट्रून भी कह सकते हैं, स्कैटर्ड भी कह सकते हैं आपका इस। तो यहां पर आप स्ट्रून का इस्तेमाल करेंगे कि द न्यूज पेपर्स आर स्ट्रून, द बॉटल्स आर स्ट्रून, यू नो माई मार्कर्स आर स्ट्रून ऑन द फ्लोर, बिखरे हुए हैं, सो स्ट्रून। तो ये थे गाइज आपके 5 एडवांस वोकैबुलरीज, आई होप आपकी समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।